पक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया। नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और ऐसे में गठबंधन की बातें भी हो रही है, लेकिन इस बीच बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी कई अलग अलग छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चल रही है। एक और महागठबंधन भी पूरे मजबूती के साथ बीजेपी का सामना के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। आज एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पटना पहुंचे और यूसीसी से लेकर चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ गठबंधन तक पर बड़ी बात कह दी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर भी चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। जरा क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। एकता का प्रयास कर रहे हैं, बहरहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए सब साथ आते थे, पर इस बार जो बार बार इन लोगों की बैठक हो रही है, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए, स्वाभाविक है एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है, पर साथ मिलकर और खास तौर पर कई ऐसे राज्यों में साथ मिलकर चुनाव लड़ना जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही जिनकी राजनीति हमेशा से रही है, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या उस पे सबकी सहमति बनेगी? पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे, बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी होती है। सिविल कोर्ट पे आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है, वही विपक्षी समाज है, बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है, आरजेडी और जेडीयू इसका विरोध कर रही है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहां पर, हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें। जहां पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं, आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग हैं, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशन में आप नहीं कर सकते, डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते, तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की परंपराएं और हैं, साउथ की और हैं, नॉर्थ की और हैं। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है? जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं, मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है। अरे प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, ना ही कल चुनाव आ रहे हैं, ना ही कोई चुनाव की अधिसूचना अभी आई है, अभी समय है और मैं निरंतरता में
एक ही बात को मैं कहता रहा हूँ कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार पलटू है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हर बार पाला बदलते हैं, लालू जी को के साथ कैसे सरकार हम चला सकते हैं। भाई ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कि कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं। इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई दूसरे दल तो दूर की बात है, जिन्होंने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा हो, कोई भूल सकता इन्होंने जोर साहब के साथ क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ क्या किया, या शरद यादव जी के साथ क्या किया, या इनकी अपनी पार्टी के नेता आरसीपी जी जो आज इनसे अलग हुए हैं उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो व सांसद चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। पटना पहुंचे चिराग पासवान का यह बड़ा बयान, समय पर तय होगा कि गठबंधन किसके साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, चिराग ने बीजेपी के सामने बड़ी शर्त भी रख दी है। एक और जहां यूसीसी को लेकर देश में बयानबाजी हो रही, उधर चिराग ने कहा है कि पहले आपको ड्राफ्ट दिखाना होगा तब बताएंगे उस पर। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि पलटू कितने हैं वो तो बीजेपी के लोग ही बताएंगे। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।